सर कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हो। दोस्तों आज के शुरू में बताऊंगा कि फोन पे कैसे यूज करें, ठीक है। मतलब फोन पे जो है रजिस्टर कैसे करें, कैसे डाउनलोड करें, कैसे यूज करें, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो अगर चैनल पर न्यू है चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपका भाई ऐसे ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहता है, ठीक है। तो इस तरह जो आप लोग को आज से जो डेली वीडियो देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा अपना, ठीक है। जैसे पहले दे देते सपोर्ट अभी भी दीजिए, ठीक है। और रेगुलर आप लोग को वीडियो जो है इस चैनल पर आप मिलेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बेस्ट किए हुए। दोस्तों हमारी मोबाइल की स्क्रीन पे, यहाँ पे आप लोग मोबाइल की स्क्रीन पे जो शो कर रहा हो, ठीक है। तो आपको क्या करना था, सिंपल से जो है प्ले स्टोर पे आना है, ठीक है। यहाँ पे प्ले स्टोर पे आना है, प्ले स्टोर पे आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है फोन पे, ठीक है। और यहाँ पे जो है आप लोग लिखना है फोन पे, ठीक है। यहाँ पे लिखना है फोन पे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक पे मिल जाएगा, वहां से भी जो जाके डायरेक्ट जो डाउनलोड कर सकते हैं, सर्च मारने का भी आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक फोन पे आ गया, यहाँ जो है आप लोग को यहाँ पे जो स्टोर कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं स्टोर है ऑलरेडी, ठीक है। तो मेरा अपडेट मांगना है तो मैं अपडेट दे सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं अपडेट नहीं दूंगा, यहाँ पे सिंपल से जो मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ तो इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ओपन करने के बाद आप लोग को जो है अपना फोन नंबर से जो इसको रजिस्टर करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप यहाँ जो अपना फोन नंबर जो भी होगा आपका, जिस नंबर से मतलब कि आपका बैंक में खाता खोला होगा, खोले होंगे आप, जिस नंबर दिए होंगे उसी नंबर से जो है आपको यहाँ पे जो है आपको खोलना, लॉग इन करना है, ठीक है। तभी आप जो है फोन पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर आप बड़ौदा में दिए हुए हैं, जिस नंबर में, उसी नंबर से आप लोग यहाँ बड़ौदा मतलब बड़ौदा अकाउंट लिंक कर सकते हैं उसी नंबर से, ठीक है। ये अगर आप सोच रहे दूसरे नंबर से खोल लिया और मतलब बड़ौदा लिंक कर ले बड़ौदा अकाउंट, तो वो नहीं होगा, ठीक है। जिस नंबर में आप लिंक करवाएंगे उसी बैंक जो है इसमें यूज होगा, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ से जो उसी नंबर को आप लोग फिल यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं अपना नंबर जो है यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। डालने का यहाँ पे देखिए फोरसेट पे यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन देखा दिया फोरसेट, इस वाले पे आपको इस वाले ऑप्शन पे जो है क्लिक कर देना, ठीक है। सिंपल से इस पे जैसे क्लिक कीजिए तो आपके फोन नंबर पे जो है यहाँ पे ओटीपी भेजा जाएगा, ठीक है। जो कि 5 अंक का होता है, 5 डिजिट का होता है, उस ओटीपी जो ऑटोमेटिक ही ले लेगा, ठीक है। आपको डालने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक जो है फील हो जाएगा, ठीक है। जिससे यहाँ पे मेरा हो गया, ठीक है। अब होने के बाद आपको जो है फोन पे का पूरा जो है आपको स्क्रीन जो है शो करेगा थोड़ा देर वेट करने के बाद, ठीक है। थोड़ा देर वेट कर लीजिए क्योंकि जो लोडिंग ले रहा है, लिख रहा है लोडिंग योर फोन पे अकाउंट, ठीक है। मतलब लोडिंग ले रहा है, लोडिंग लेने के बाद जो है पूरा आपको प्रोसेस जो है शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये अलाउ मांग रहा है, आपका लोकेशन अलाउ मांगेगा तो लोकेशन देना है, यहाँ पे फोन पे मांगेगा तो ये अलाउ कर देना है, ठीक है। दोस्तों जैसे ही आप लोग सब चीज अलाउ कर दीजिएगा तो कुछ इस तरीके से जो आपको इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे प्रोफाइल आपका पूरा खुल के आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो है आप किसी को भी जो है टू मतलब मोबाइल नंबर से भी ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी को जो है यूपीआई मतलब कि जो बैंक से थ्रू भी आप लोग जो है ट्रांसफर कर सकते हैं, यहाँ पे चेक बैलेंस भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बिजली चार्ज जो भी मोबाइल रिचार्ज सब चीज कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत चीज दिया हुआ है आपसे, ठीक है। सबको जो है आप लोग मतलब लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके लिए जो आपको एक बैंक अकाउंट जो आपको एड करना होगा पहले, ठीक है। मतलब आप जो भी बैंक में अकाउंट होगा उसको एड कीजिए, तभी ना आप रिचार्ज या जो भी कर पाइएगा, ठीक है। तो उसके लिए जो आपको ऐड करना होगा, ऐड कैसे करें उसके लिए मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप लोग जो है बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं फोन पे अकाउंट मतलब फोन पे एप्स में, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैं बहुत सारे एप्स भी मतलब कि लोड कर ये भी रखा हूँ, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं मेरा एयरटेल पेमेंट बैंक में भी है, यहाँ पे जियो में भी है और यहाँ पे पंजाब नेशनल में भी है, ठीक है। मतलब तीन अकाउंट जो मैं यहाँ पे लिंक करके रखा हूँ और तीनों अकाउंट जो मेरा मतलब कि चालू है, मैं तीनों अकाउंट से जो ट्रांसैक्शन करता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत चीज सीखने के लिए मिला दोस्तों। और उसमें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग कैसे जो है बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं, मतलब अपना जो अकाउंट है फोन पे में कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द लेके आऊंगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करते दोस्तों, और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।